हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ टाटा की एक और सेडान कार, और जो लोग माइलेज रिलेटेड जिनका प्रॉब्लम है उनके लिए मैं लेके आया हूँ सीएनजी वेरिएंट। तो वीडियो में बने रहें, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें, इंस्टाग्राम फेसबुक सब पे जाके फॉलो कर दें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ का मिल जाएगा। तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ। तो ये है आपका टाटा टिगोर सीएनजी एक्सजेड वेरिएंट, टॉप वेरिएंट है, टॉप से एक नीचे आती है। और प्राइस की बात करें तो आपको एक शोरूम 8,05,000 देखने को मिलेंगे, और ऑन रोड आपको 9,37,000 देखने को मिलेंगे। तो आइए मैं इसका पूरा आपको डिटेल में वॉक अराउंड रिव्यू प्रोवाइड करता हूं, इंटीरियर एक्सटीरियर सबका। तो शुरुआत करूँ अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस से, तो ये देखिए आपको 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगी, जो कि सेडान के लिए अच्छी खासी है। और यहाँ पे आपको फॉग लाइट मिलेंगे हैलोजन बल्ब वाले, और आपको हाई लाइट भी आपको हाई और लो दोनों हैलोजन ही मिलेंगे, इंडिकेटर भी हैलोजन। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएंगे, और ये आपको क्रोम की ट्रीटमेंट पूरा इस साइड से लेके आपको उस साइड तक देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको विंडशील देखने को मिलेंगे विथ डुअल वाइपर डुअल वॉशर के साथ, और रूफ आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। ये सीएनजी पेट्रोल दोनों हैं। बात करूँ इसकी कार की राइट साइड प्रोफाइल की, तो राइट साइड आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको स्टील रिम देखने को मिलेंगे विथ व्हील कवर के साथ। और टायर साइज की बात करें तो 175/65 R14 के टायर साइज आपको देखने को मिलेंगे। ORBM आपको बॉडी कलर ही मिल जाती है विथ इंडिकेटर, और आपको डोर हैंडल आपको बॉडी कलर विथ क्रोम के साथ, और रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि ऐसे व्यू आएंगे। यहाँ पे आप की भी इंसर्ट कर सकते हैं, और आपको चारों डोर ऐसे ही देखने को मिलेंगे डोर हैंडल क्रोम के साथ, और बी पिलर ब्लैक आउट, सी पिलर भी आपको देखने को मिलेगी ब्लैक में। ओवरऑल साइड प्रोफाइल की कुछ यही लुक थी। आइए मैं कार के रेयर साइड प्रोफाइल में लेके चलता हूँ। तो रेयर साइड आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ICNG की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे बड़े से टाटा की लोगो, और यहाँ पे टिगोर की बैजिंग, और ये आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कैमरा माउंट होता है, आप इसमें आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। और ये आपको लाइट सेटअप कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, सभी हैलोजन देखने को मिलेंगे। ये आप रिवर्स लाइट देखने को मिलेगी, और ऊपर इसमें आपको कोई भी डिफॉगर नहीं मिलेंगे, और हाई स्टॉप माउंट लाइट आपको कुछ ऐसे इतने बड़े से मिलेंगे। यहाँ पे लोकल फॉर वोकल, और नीचे CNG की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ऊपर आपको रूफ रिल एंटीना देखने को मिल जाएंगे, सार्फिन एंटीना नहीं आती है इसमें, और हाई स्टॉप माउंट लाइट देखिए कितने बड़े से मिलते हैं। अब बात करूँ पार्किंग सेंसर की, तो आपको इसमें शायद दो पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे। नीचे आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम बनाती है, और रिफ्लेक्टर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल रेयर साइड की कुछ यही व्यू थी। आइए मैं आपको इसका बूट ओपन करके दिखाता हूँ कि बूट स्पेस आपको इसमें कैसे मिलेंगे सीएनजी लगने के बाद। सीएनजी सिलेंडर, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लाइट, और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएंगे जिससे बूट ओपन होगी। और बूट स्पेस की बात करें तो ये देखिए आपको 205 लीटर के बूट स्पेस देखने को मिलेंगे, बट इसमें CNG लगाया तो थोड़ा कम मिलेंगे। और स्टेपनी व्हील की बात करें तो आपको यहाँ पर नीचे में स्टील रिम ही देखने को मिलेंगे, जो कि ऐसे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये आपको सिलेंडर देखने को मिलेंगे CNG सिलेंडर। बात ओवरऑल यही थी डिक्की की लुक। आइए मैं कार के लेफ्ट साइड प्रोफाइल में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आपको फ्यूल फिलर कैप मिल जाएगी 60 लीटर के पेट्रोल में,
आप सीएनजी पेट्रोल दोनों स्विच कर सकते हैं। और ये आपको डोर हैंडल पे इस साइड रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल यही कुछ लुक थे। ORBM भी ब्लैक मिल जाएगी और लेंथ आपको 399 mm और 1677 mm विड्थ मिल जाएगी और आपको 1532 mm हाइट मिल जाएगी इस कार की। आइए मैं आप कार के अंदर में लेके चलता हूँ, इंटीरियर साइड दिखाता हूँ। तो ड्राइवर साइड डोर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। डोर आपको डुअल टोन में मिल जाएगी, हल्का ग्रेस और बेच में, और यहाँ पे आपको ब्लैक क्रोम ब्लैक ग्लोसी ब्लैक में देखने को मिल जाएंगे हैंडल टाइप, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है देखने में और अच्छे भी लगते हैं। यहाँ आपको डोर हैंडल, ये चारों पावर विंडो, और यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक देखने को मिल जाएंगे और ये सॉफ्ट टच आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जो कि अच्छी बात है। नीचे आपको स्पीकर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाएंगे, पेपर वगैरह आप रख सकते हैं और छोटे मोटे बोतल। और ORBM के एडजस्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं फोल्ड अनफोल्ड। बात करूँ सीट की, तो ये आपको फैब्रिक वाले सीट देखने को मिलेंगे, लेदरेट नहीं मिलेंगे। और हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे, थाई सपोर्ट आर्म सपोर्ट अच्छे मिलेंगे। और सीट हाइट आपको इसमें नहीं मिलेंगे, रिक्लाइनर बस मिलेंगे, आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। नीचे आपको फ्यूल लिड के मिल जाएंगे ओपन के लिए। तो आइए मैं इसका स्टीयरिंग व्हील दिखाता हूँ। तो देखिए स्टीयरिंग व्हील आपको डिकट देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है डिकट स्टीयरिंग। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल मिल जाएंगे, वॉल्यूम अप डाउन आप कर सकते हैं, कॉल आंसर ये सब कट। यहाँ साइड में आपको हॉर्न मिल जाएंगे, यहाँ पे टाटा के लोगो, एयरबैग, और साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको ब्लैक ग्लॉसी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको हेडलाइट के लीवर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे वाइपर के लीवर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें मिल जाती है, पुश स्टार्ट बटन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये आपको AC वेंट ऐसे ग्लोसी ब्लैक में देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है डैशबोर्ड में। और नीचे आपको यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाएंगे छोटे से। और बात करूँ ये पुश स्टार्ट, तो आपको आइए मैं कार स्टार्ट करके दिखाता हूँ स्पीडोमीटर वगैरह की क्या कैसा है। तो स्पीडोमीटर आपको ऐसे फुल्ली डिजिटल देखने को मिल जाते हैं, बीच में आपको बड़े से MID मिल जाएंगे जिसमें स्पीड ट्रिप ए टाइम वगैरह आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसे आपको मिलेंगे CNG, यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएंगे, जब CNG पे रहेगी तो CNG ऑफ कर देंगे तो पेट्रोल पे हो जाएगी गाड़ी। यहाँ पे आपको CNG के और नीचे आपको पेट्रोल के गेज मिल जाएंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपको RPM देखने को मिलेंगे। और बाकी आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे वार्निंग के, हैंड ब्रेक के, लो फ्यूल के, CNG पे, यही सब कुछ। ये ओडो ट्रिप ए ट्रिप भी सब कुछ आप इसमें, मतलब ज़रूरतमंद के सारे चीज़ आपको इसमें मिल जाते हैं। यहाँ से आप CNG ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं पेट्रोल पे, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे एक ही स्विच में आप स्विच कर सकते हैं पेट्रोल टू CNG। और ये आपको हार्मन के इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएंगे, जो कि ब्लूटूथ सपोर्ट करती है। ये AC वेंट आपको देखने को मिलेंगे, बीच में हैजार्ड लाइट, और ये क्रोम ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अच्छी लगती है। ये आपको ब्लूटूथ वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएंगे हार्मन के, आउटपुट काफ़ी तगड़ा है इसका। और यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे पार्किंग लाइट, लॉक, CNG और बूट ओपन के आपको बटन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिलेंगे, जो कि ऑटोमेटिक इसमें नहीं आती है। और ये आपको टेम्परेचर कम डाउन करने के लिए, और नीचे आपको यहाँ पे चार्जिंग रिलेटेड सॉकेट USB टाइप ए और 12 वोल्ट के सॉकेट देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको कुछ फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस, और ये आपको 5-स्पीड मैनुअल गियर देखने को मिलेंगे, या मैनुअल हैंड ब्रेक। और बात करूँ की तो ये देखिए आपको इसमें रिमोट की देखने को मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक और फॉलो मी लाइट और बूट ओपन के बटन, और पीछे टाटा की लोगो देखने को मिल जाएगी। दोनों आपको रिमोट की मिलेंगे इस वेरिएंट में, XZ में। इसमें कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे आपको छोटे से स्पेस मिल जाएंगे पॉकेट में, कुछ रख सकते हैं। और आपको वैनिटी मिरर इस पे पैसेंजर साइड में भी नहीं मिलेंगे सनसेट पे आपको, और ड्राइवर साइड में भी नहीं मिलेंगे सनसेट पे वैनिटी मिरर। यहाँ पे आपको माइक मिल जाएंगे, और वहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने को मिलेंगे। अब बात करूँ ग्लोव बॉक्स की, तो ग्लोव बॉक्स आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, इतने मैसिव और कूल्ड ग्लोव बॉक्स इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं। ओवरऑल डैशबोर्ड की यही लुक थी, और डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। और वहाँ पे आपको ट्विटर देखने को मिल जाएगी, इसमें आपको 6 स्पीकर मिलेंगे, 4 स्पीकर 2 ट्विटर, जो कि आपको 2 A पिलर पे माउंट मिलेंगे। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए विंडशील्ड पे आपको टिकट होल्डर भी मिल जाएंगे, जो कि ऐसे आपको मिलेंगे टिकट वगैरह, पार्किंग स्लिप वगैरह आप फंसा सकते हैं।
और बात करूँ पैडल की तो ये देखिए आपको इसमें तीन पैडल मिल जाएंगे ABC, और साइड में आपको डेड पैडल भी देखने को मिलेंगे जो कि अच्छी बात है वो देखिए। तो ओवरऑल इंटीरियर की यही लुक थी। आइए मैं कार के रेयर साइड में लेके चलता हूँ, तो रेयर साइड डोर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, इतनी वाइड रेंज में ओपन होती है। यहाँ पे भी आपको डुअल टोन में देखने को मिलेंगे ग्रे और बेज में। यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाएगी, सॉरी इसमें आपको आठ स्पीकर मिलेंगे, चार ट्विटर चार ये पावर विंडो के कंट्रोल, ये आपको गेट ओपन करने के लिए, यहाँ पे स्पीकर, यहाँ पे 1 लीटर के बोतल आप रख सकते हैं। बात करूँ सीट की तो ये देखिए आपको सीट बेल्ट मिलेंगे ब्लैक कलर के और फैब्रिक वाले सीट मिलेंगे, काफ़ी कुशनी है, अच्छी है। अब बीच में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिलेंगे जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेगी, तो आइए मैं बैठ के आपको लेग स्पेस वगैरह दिखाता हूँ। तो सीट मैंने पूरा पीछे कर दिया था, तब भी स्पेस ठीक ठाक है। पीछे आपको कोई भी AC वेंट नहीं मिलेंगे और हम्प आपको इसमें छोटे से मिल जाएंगे देखने को, और ऊपर आपको वहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगी। यहाँ पे रीडिंग लाइट मिलेगी जो कि इसको LED आपको मिलेगी, हेलोजन नहीं मिलेंगे जो कि अच्छी बात है। और आर्म रेस्ट की बात करें तो आर्म रेस्ट आपको ऐसे मिलेंगे और उसमें आपको 2 कप होल्डर भी मिल जाएंगे जो कि आपको रईसी वाला फील देगी। और पीछे का व्यू कुछ ऐसा आएगा, पार्सल ट्रे पे आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, इतने बड़े से चौड़े सामान आप इजली रख सकते हैं। और रियर साइड से फ्रंट डैशबोर्ड की कुछ इस तरीके की व्यू